आपका स्वागत है मेरे चैनल ही एंड शी किचन में। और आज आपको हम बनाकर दिखा रहे हैं मोहन थाल। जी हाँ, बेसन से बनने वाली एक बहुत ही टेस्टी यम्मी स्वादिष्ट सी मिठाई बनने में बहुत ही इजी है और इसको बनाना बहुत आसान है। अगर आप मेरा वीडियो देखकर बनाएंगे तो ये बहुत ही शानदार और मुंह में घुलने वाली रेसिपी बनने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी मोहन थाल। तो मोहन थाल बनाने के लिए, या जिसे हम बेसन की बर्फी भी कह सकते हैं, बनाने के लिए हम लेंगे बेसन। तो ये मैंने लिया है 2 कटोरी बेसन, कोई भी आप 1 कटोरी नाप के लिए रख लें तो उसी कटोरी से आप बाकी सारा मेजरमेंट करें। तो 2 कटोरी बेसन के लिए हमने लिया है 1 कटोरी चीनी, थोड़ा सा मैंने लिया है दूध लगभग 1/4 कटोरी, और ये है 1 कटोरी मावा जो कि मैंने निकाला है दूध की मलाई से ही, और ये है 1/2 कटोरी घी, थोड़े से मैंने लिए हैं बादाम जिनको बारीक कट कर लिया है, और ये कुछ इलायची। तो बस, तो ये है सामान। और अब सबसे पहले हम बना लेते हैं चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए हम लेंगे एक पैन और उसमें हम डाल देंगे ये चीनी। तो 1 कटोरी चीनी में हम डालेंगे 1 कटोरी से थोड़ा सा कम पानी। तो ये मैंने ले लिया है 3/4 कटोरी पानी और ये गया इसमें, और अब हम इसको गैस पर चढ़ा देते हैं। तो ये हमने गैस पर चढ़ा दिया है और अब चाशनी बन रही है, तब तक हम कर लेते हैं बाकी की तैयारी। तो सबसे पहले हम लेंगे बेसन। तो ये मैंने ले लिया है और अब इसमें हम डालेंगे दूध और ये जो घी था उसका एक बैटर बनाएंगे हम। तो ये मैंने लिया है 1/4 कटोरी दूध और उसमें मैं डाल दूंगी इस 1/2 कटोरी घी का आधा, यानी कि 1/4 कटोरी घी, और इन दोनों को हम कर लेंगे मिक्स। तो ये दूध और घी को मैंने मिक्स कर लिया है और अब इसको हम डाल देंगे हमारे बेसन में। तो अब इस बेसन में हम डाल देते हैं ये दूध और घी का जो मिक्सचर था, और इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं और इसको मिलाने के बाद थोड़ा सा हमको हाथों से भी इसको अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। तो ये इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको अब हमको 15 मिनट के लिए इसको ढककर रखना पड़ेगा ताकि ये जो बेसन है उसमें ये सारा मॉइस्चर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये मैंने इसको कर दिया है तैयार और अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं और तब तक हम चेक कर लेते हैं हमारी चाशनी। तो चाशनी भी तैयार हो गई है और इसको हमने बस सिर्फ उबालना है, बाकी कोई तार वार की चाशनी नहीं बनानी है। लेकिन मोहन थाल में कलर अच्छा है, उसके लिए हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा फूड कलर। तो ये मैंने डाल दिया है और अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी इलायची। तो ये मैंने डाल दी है इसमें इलायची पाउडर और अब इसको हम रख देते हैं साइड में। 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम देखते हैं हमारे जो बेसन था इसको अब हमें एक बार अच्छे से छानना है। तो इसके लिए हम लेंगे एक चलनी। तो ये मिक्सचर मैंने डाल लिया है एक चलनी में और अब इसको हम छान लेते हैं। तो ये हमने छान लिया है और ये जो बाकी जो थोड़े मोटे पार्ट्स हैं इसको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये हमने पीस लिया है और इसको भी इसमें डाल देंगे। और अब हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें हम डालेंगे बचा हुआ जो हमारा घी था ये, और अब इसमें हम डाल देते हैं बेसन। और अब इसको हमें अच्छे से भूनना है, तो मीडियम आंच पर हमें बेसन को ब्राउन होने तक भूनना है। इसमें हमें लगेंगे तकरीबन 10 मिनट।
तो 10 मिनट तक हमको इसकी भुनाई करनी है। तो 10 मिनट हो चुके हैं और जो बेसन है वो अच्छे से भुन गया है, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है भुनने की और कलर भी काफी चेंज हो गया है। तो अब हम कर देते हैं गैस को बंद और इसमें हम डाल देते हैं मावा, हमारा मावा। इसको मैं थोड़ा सा हाथों से क्रम्बल कर देती हूँ और इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं इसमें। और आप चाहें तो इसमें दूध की मलाई भी डाल सकते हैं या फिर मार्केट से भी आप मावा ला कर डाल सकते हैं, लेकिन अभी हमने डाला है घर में बना हुआ मावा जो कि हम बनाते हैं दूध की मलाई से। तो ये हो गया है अच्छे से मिक्स और अब इसमें हम डाल देंगे चाशनी। तो ये इसमें हम डाल देते हैं चाशनी। और अब इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और अब हम 1 मिनट के लिए गैस को वापस से ऑन कर देंगे। तो इसको हमने 1 मिनट तक अच्छे से दोबारा से गैस पर चलाना है और 1 मिनट बाद हम गैस को कर देंगे बंद। और अब हमने ले ली है एक ट्रे और उसमें हमने थोड़ा सा घी लगाकर इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया और अब इसमें हम डाल देंगे ये हमारा मोहन थाल वाला मिक्सचर। कितना दानेदार और शाइनिंग बना है, देखने में लग रहा है कि बहुत ही टेस्टी होगा। तो इसको हम डाल देते हैं पूरा और अब इसको हम ट्रे में अच्छे से इवनली फैला देंगे। तो ये हमने फैला दिया है इसको और अब इसके ऊपर हम इसको गार्निशिंग कर देंगे इसकी कटे हुए बादाम से। और आप चाहें तो इस पे पिस्ता भी डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं, हमने डाले हैं बादाम। और अब इसको हल्का सा कर देंगे प्रेस ताकि ये अच्छे से इसमें लग जाए। तो ये कटोरी से हमने इसको प्रेस कर दिया और अब इसको हम 2 घंटे के लिए जमने के लिए रख देते हैं और फिर आपको बताते हैं 2 घंटे बाद। तो 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और जो बर्फी है वो अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम करते हैं इसको कट। तो कट करने के लिए हम लेंगे एक नाइफ और आप अपने मन पसंद साइज से इसको कट कर दीजिए। और ये जो मोहन थाल है ये बनने में बहुत ही इजी होता है कि बहुत ज़्यादा इसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस बेसन को थोड़ी सी देर के लिए आपको मोरन लगा के रखना है और फिर उसके बाद करना है इसकी अच्छे से सिकाई। और ये बन गया है हमारा मोहन थाल। अब करते हैं हम इसकी प्लेटिंग। तो ये देखिए कितने अच्छे से इसके पीसेस कट रहे हैं और कितनी शाइनिंग है पीसेस में। तो ये गया हमारा मोहन थाल और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, आप इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। और मैं आपको बताती हूँ इसका टेक्सचर, ये अंदर से कितना सॉफ्ट और दानेदार है। ये देखिए बस मुंह में रखते ही घुल जाने वाला है। और अगर आपने इसको मेहमानों को बनाकर खिलाया तो वो यकीन नहीं करेंगे कि ये आपने बनाया है, बिल्कुल हलवाइयों जैसी बनी है हमारी ये रेसिपी। तो हम लेते हैं इस स्वादिष्ट से मीठे मीठे मोहन थाल का आनंद और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।